और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े चलते हैं बिहार, जहां पर बिहार के शिक्षा मंत्री इस वक्त इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर रहे हैं। परीक्षा में तीनों अलग अलग संकायों में कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों में जो टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची अभी से कुछ देर में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कला संकाय में पूरे राज्य में मधु भारती जो आर लाल कॉलेज खगड़िया की छात्रा हैं, उन्होंने श्री कैलाश कुमार जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उन्हें 463 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 92.6% अंक है। वाणिज्य संकाय में सुगंधा कुमारी जो एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंकों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 94.2% अंक है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में सोनाली कुमारी जो श्रीमती परमेश्वरी देवी गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक बिहार शरीफ नालंदा की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो कुल अंकों का 94.2% है। इस प्रकार आज के इस जारी परीक्षा फल के फलस्वरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगातार तीसरे वर्ष पूरे देश में सबसे पहले परीक्षा फल प्रकाशित करने का यह गौरव प्राप्त हुआ है। सर कैसे सर, सबसे पहले सर अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी से कि वे इस अवसर पर कृपया हम सभी लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद आनंद। माननीय मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, यहाँ समिति के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उनके अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को शिक्षा विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा एक फेयर और इम्पार्शियल तरीके से एग्जाम कराया गया, काफ़ी मेहनत की गई और जो एग्जामिनेशन जो परीक्षा की जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करते हुए लगातार तीसरे वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये पहला रिजल्ट है इंटरमीडिएट का जो पूरे देश में आज प्रकाशित किया जा रहा है। इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, विशेषकर विद्यालय परीक्षा समिति। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें उनका दिशा निर्देश और उनका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। रिजल्ट अभी श्री आनंद किशोर जी ने आपको बताया है और मुझे इस बड़ी बात इसका इस बात की खुशी है कि अच्छा रिजल्ट है, लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। आप देखेंगे जो टॉपर्स हैं वो बिहार के लगभग सभी हिस्सों से हैं और लड़कियों का उसमें प्रतिनिधित्व लड़कों से कहीं बेहतर है, लेकिन ये बहुत ही शुभ संकेत है राज्य के लिए कि राज्य की बच्चियां पढ़ रही हैं और पढ़ ही नहीं रही हैं, अच्छा कर रही हैं और अच्छा ही नहीं कर रही हैं, सबसे बेहतर कर रही हैं। सो ये बहुत ही शुभ संकेत है राज्य के लिए। मैं इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आनंद, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहा है, इसके लिए हम परीक्षा समिति परिवार की ओर से आपके हार्दिक आभारी हैं। अब
आज जिनके द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा इनका कृपा पूर्वक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और गाइडेंस हम लोगों को लगातार संजय जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, बोर्ड के सभी पदाधिकारी और कर्मीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार तीसरे चौथे साल परीक्षा के नतीजे देश में सबसे पहले इंटर के परिणाम बिहार में निकाले गए हैं, इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सही बात है कि आप सब गौर करें, ये कोई आसान चुनौती नहीं थी। आप याद करिए कि हम कहां से चल के यहां तक पहुंचे। बिहार में परीक्षाओं के संबंध में क्या धारणाएं थी, हम कहां थे, हमारी छवि क्या थी और आज हमारी छवि क्या है, यह देखने और समझने की बात है। और हम समझते हैं कोई भी ऐसा संवेदनशील बिहारी न होगा जो यह सोचे और उसका सीना गर्व से ऊंचा नहीं हो जाए। और इसके लिए विशेष रूप से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देते हैं। और आज तो विभाग की तरफ से ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से हम समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी को दूसरी बधाई भी देते हैं कि आप सबने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपके माध्यम से तो हम देखते पढ़ते और सुनते हैं कि आप ही के माध्यम से हमको भी पता चला है कि इनको पिछले साल का बेस्ट आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। इसके लिए भी हम इनको बधाई देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये लगातार जो इनकी उपलब्धियां रही है, जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो 10th का हो या प्लस 2 का हो, इंटर का हो, जो लगातार परिणाम समय पर आते रहे हैं, ये दोनों पक्ष है इसका। सिर्फ परिणाम समय पर जैसे तैसे निकाल देने की बात नहीं, परीक्षा की सैंक्टिटी यानी शुचिता और परीक्षा की विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए समय पर परीक्षाएं लेकर समय पर नतीजे निकाल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है और उसको इन्होंने पूरा किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात कि आज देश भर के लोग देखना चाहते हैं। मैं यहाँ आया थोड़ी देर पहले, इसी दफ्तर में मुझे जानकारी मिली कि जब आप लोगों के माध्यम से ये देश के लोगों ने जाना कि आज इंटर का रिजल्ट आने वाला है, तो ये कोरोना काल तो अभी तक चल ही रहा है या उसका जो हैंगओवर है उसमें लगातार हम लोग ये काम समय पर करते जा। हम सच्चे दिल से अपने काम में लगते हैं तो इसी तरह का आउटस्टैंडिंग नतीजा आता है। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार वासियों के लिए गर्व की बात। जो नतीजे आए हैं आपने देखे हैं, उसमें दो चीज
जिसकी चर्चा हमारे अपर मुख्य सचिव कर रहे थे, और वो दोनों चीजें वो सबके लिए गौर करने लायक कि तीनों संकायों में, तीनों फैकल्टीज में, साइंस आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, तीनों में टॉपर जो है वो लड़कियां, तीनों में टॉपर लड़कियां, जो टॉप 10 तीनों फैकल्टी में देखिएगा तो संख्या भी जोड़िएगा, मतलब तीनों संकाय मिला के ऊपर से 10 ले लीजिए तो 30 हो जाएगी पूरी संख्या, उसमें भी बहुमत लड़कियों का है। आप समझिए कि ये सरकार की नीतियों का और कार्यक्रमों के सफल होने का कितना बड़ा इंडिकेटर है, ये कितना बड़ा द्योतक है कि जब हम लोग सरकार की तरफ से महिलाओं या छात्राओं की शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने की बात करते हैं, चाहे लड़कियों को शुरू से प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, तो ये तो लगातार सरकार ने जो उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं उसके सफलता का सूचक है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तीनों संकाय में वो आगे रही। और उससे भी ज्यादा चीज, एक चीज जो आपको अच्छा लगेगा कि ये बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से है, बल्कि सच पूछते हैं तो पटने से कम है या नहीं, जो पढ़ाई लिखाई का सबसे कोवेटेड सेंटर माने इच्छित केंद्र माना जाता है पटना, यहीं से कम है या नहीं। आप सबको रिजल्ट की कॉपी मिलेगी टॉप करने वाले लिए, उसमें आप देख लीजिएगा। तो जब हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण या शिक्षा को गांव देहात तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास और प्रचार की बात करते हैं, तो ये आप खुद सोचिए ये आखिर किस चीज का द्योतक है। आप देखिए ऊपर में आपको औरंगाबाद से किशनगढ़ और कहां जमुई से लेके पूरे फैलाव में आपको पूरे बिहार के न